सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तिलंग महला चौथा हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइया आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल गुर सिख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद भीष्मार अथाह अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु चौथे पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अत संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया इना अजमता दे वडियाईया दे मालक गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे पवित्र अस्थान श्री हरिमंदर साहिब श्री दरबार साहब जी तो जो अज जुगो जुग अटल शतर चवर तखत दे मालक साडे हाजर नाजर सतगुरु लोक परलोक दे सुख दाते सतगुरु जी ने जो इस पोथी परमेश्वर के थान विचों अज दा आवाजा बख्शिया है
जो पावन श्री मुख वाक बख्शिश कीता है इस स्थान दी निजमावली दे अनुसार पावन श्री मुख वाक दी कथा विचार दा समा है। सतगुरु ने रहमत कीती है आपा सारे गुरुद्वारा मंजी साहब दे अस्थान ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर हाजरियां पर रहे हां। सतगुरु रहमत करन इस समा साडा सफला होवे। एक बार सारे अपनिया मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे, एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तिलंग महला चौथा। हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया। तिलंग राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज अज साडा मार्ग दर्शन करदे ने। अज सानू अपनी अगवानी बख्शदे ने, त्रुटदे ने, अपने सुभा अपने बिरद अपनी मुढ़ कदीमी आदत दे अनुसार के साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, ए मेरा साहिब ए सदा सदा वास्ते नित नवा दाता है। गुरु जी नू पता है कि असी सुनन वाले पढ़न वाले मनन वाले नहीं हाँ। कोई विरला कोई वडभागा मनुख जेड़ा मनन दे विच तुरिया होवे, नहीं तां कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक अंधे एक ना ला गई, ज्यों बांस बजाइए फूक। असी बंसरी वर्गे हो गए हैं, फूक वजदी है, संगीत सुनाई दिंदा है, अंदर रुकदा कुछ भी नहीं है। अज सतगुरु जी उपदेश सानू उवें बख्शदे ने जिवें पहली बार बख्शन लगे होण। दास पिछली बार भी बेनती करके गया सी, कोई दुनिया का मनुख ऐसा नहीं है, हर मनुख एक दो चार पांच वारियां तो बाद जरूर कहेगा कि वेख भरा जे तू मेरी गल सुननी ते जरूर है, मननी नहीं है ते फिर तू तेनू सुनन दा भी की लाभ है, इसनू भी छड़ दे। पर सतगुरु जी दा बिरद होर है, वो संत ना छोड़ा है संत ही, वो अपना सुभा पर उपकारी सुभा कदे त्याग दे नहीं। अज भी सतगुरु जी उपदेश करते ने
के हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाईया रब दिया सिफत सलाह दिया गल्ला जेड़िया ने वो मैनू मेरे गुरु मित्र ने सुनाईया ने। जदो सवेरे ये पावन मुख वाक सतगुरु बख्श रहे सन दसवीं संगत विच सिंह साहब जी पासों मुख वाक सरवण कर रहा सी, मन विच एक गल आ रही सी कि इस शब्द विच गुरु नू एक विशेष संज्ञा दे के अज सतगुरु दृढ़ कराउंदे ने कि गुरु मित्र है। और मित्र दे प्रति एक गल बड़ी सादी बड़ी सिंपल और बड़ी छोटी जी असी रोज बोलते हैं। कई बारी असी कई कहने हैं भी जे तेरे वर्गे मित्र होन ते सजना फिर दुश्मना दी की लोड़ है। असी खुद मनते हैं माड़ी सलाह देन वाला दुश्मन है, भावे उन्हें मित्र का बुरका भी क्यों ना पाया हो, मित्र वाला वो साढ़े नाल ढोंग भी क्यों ना करता हो। इदां दा एक मित्र जिन्हें अपना ना सज्जन रखिया सी आप जी सारे जानते हो, विशेष करके गुरु नानक साहब महाराज उदे पास गए और उसनु जाके दसिया कि तेरे वर्गे सज्जन नहीं होंदे जिहड़े कुट कुट के जीवां नू खाण। सज्जन वो होंदे ने जिहड़े नाल निभदे ने, जे कदे लेखा देना पवे अगे होके खलोंदे ने। हुण साडी जिहड़ी गुरु दे प्रति पहुंच है अज सानू थोड़ा जिहा उसनू होर डिफाइन करन दी लोड़ है, होर उसनू साफ करन दी लोड़ है, होर क्लीयर करन दी लोड़ है। क्योंकि अज साडे विच ते गुरु विच एक डिस्टेंस पैदा किया जा रहा है, दूरी पैदा की जा रही है। और यह गल मैं बहुत जगह वेखदा, तुसी गुरु दे दर्शन करन जाओ वह कहें जी हुण तां नहीं होणगे, हुण की होएगा, कहें जी तुसी महापुरखां दे कर लो। दसो जिन्हों सौण की लोड़ है वह बैठा होया है, तो जिहड़ा मेरा सतगुरु सदा जागदा है उहदे प्रति असी यह कह दिता है भी नहीं जी वह तो सुते हुए ने। सतगुर जागता है देओ, भूली मालनी है एओ, मालन भूली जग भुलाना हम भुलाने नाही, भगत जी ये कहंदे ने। मालन भुल सकती है, जगत भुल सकता है, भगत जी कहंदे तुसी मैनू किवें भुला सकते हो भाई, मैनू पता है। सतगुर जागता है देओ, वो तो हर वेले जागदा है। और ये गल जे सानू समझ आ जाए गुरु साडा मित्र है, गुरु ने सानू अपने नौकर समझ के, मुल खरीदे समझ के, गुलाम समझ के कदे संबोधन नहीं किया, कदे भी संबोधन नहीं किया। अज का जेड़ा रहाओ का बंद है, गुरु रामदास महाराज अज सानू आवाज मार के की कहंदे ने, कहंदे आए मेल गुरसिख, आए मेल तू मेरे गुरु के प्यारे, ऐ मेरे गुरु दे प्यार करन वाले आ, तू आके मैनू मिल। कोई इस तरह गुरु कहंदा है। पिछले समय विच वो व्यक्ति संसार तो चले गए,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਅਨੁਟੰਕੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭੇਖ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਭੇਖ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਚੇਨ ਹੈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੇ ਛੁਪਾਇਓ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਛਲ ਬਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੀਹੇ ਮਸੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ ਝੂਠੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ ਚੁੱਪ ਰਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਮੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਇੱਥੋਂ ਖੋਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਖਜੂਰ ਕੋਈ ਕਵੇਗਾ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਵੇਗਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਕ ਬਾਦ ਲਾਇਓ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਕਾਹੇ ਰੇ
बाक बाद लायो जिन हर पायो तिनी छपायो। पानी विच रहन वाली मच्छी कदे खजूर ते नहीं चढ़दी। एवी तुसी अपने गैस लाई जाने हो, एवी अपने अंदाजे ला ला के छड़ी जाने हो। कोई कहंदा जी रब नेड़े है, कोई कहंदा जी रब दूर है। असल विच ये गुरु नू पुछना पवेगा, मनना पवेगा इत्थे आके कि हम अंधले अंध बिखै बिख राते क्यों चालें गुर चाली। इत्थे हर बंदा अपने अखां दा गुरूर करदा, अखां दा माण करदा, अखां दी रोशनी ते प्राउड करदा। इत्थे आके मनना पवेगा कि से अखड़ियां बयान जिनी डसंदो मां पीरी। ये जड़ियां अखां मेरे कोल ने ना, ये सुन मुंदे हर नाखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त संजान कै तौकीचे वपार। मेरी ये भैने मन लिया, मेरी ये धर्मी भैने, मेरी ये जग्यासु भैने, मेरी सतसंगी भैने, कि तू कमे इत मैं एक जरूर गल कव, ये शब्द किसी इस्त्री वास्ते नहीं है। आप जिन्हें बैठे ना सारियां नू गुरु जी की कहंदे ने, इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई। आप सारिया ही रब दियां पत्नियां हाँ, आप सारे रब दियां जीव इस्त्रियां हाँ। सानू क्या है कि मत तू कवे मेरियां अखां मोटियां ने, मेरियां अखां हिरण वर्गियां ने। ये चेता रखी, जिन्ना धोखा हिरण दियां अखां विच है ना, इन्ना धोखा दुनिया दियां किसी अखां विच नहीं है। एक हिरण दियां अखां ही ऐसियां ने जिहड़ियां हमेशा उन्हों चमकदे रेते विच पानी विखाउंदियां ने, उहदे प्राण लै लैंदियां ने, उन्हों ऐसी तृष्णा की दौड़ दौड़ाउंदियां ने, ऐसी तृष्णा की दौड़ दौड़ाउंदियां ने, अखीर वह मारू थल विच दम तोड़ जांदा है। जे मारू थल विच प्यासा हिरण मरदा है तो वह किसी साकत की, किसी होर बुरे मनुख की संगत करके नहीं, केवल अपनिया मोटिया अखां दे करके। उन्हों लगता भी मैनू ठीक दीद है, पर हुंदा की है, पानी हुंदा नहीं, दूर रेता चमकदा है। जदों सूरज दियां किरणां पैंदियां ने उन्हों लगता है भी पानी उत्थे हैगा, वह दौड़ के उत्थे जांदा है, पर उत्थे पानी हुंदा नहीं। उत्थे खलो के वेंदा उस उही रेता मुड़ के होर अगे उन्हों मारूथल में चमकदा नजर आउंदा है, सूरज दियां किरणां करके अखीर उहदी मौत हो जांदी। गुरु रामदास महाराज समझाउंदे ने कि रब दियां गल्लां तैनूं गुरु तो बिना कोई नहीं सुनाएगा। हुण ते थोड़ा जिहा सुधार हो गया है, पहला तो स्टेज की सेवा निभाउण वाले जिहड़े सकत्तर हुंदे सी ना, वह बड़ी वधिया गल कहिंदे सी, इह ज्ञानी जी हुण तुहानूं अपनी कथा सुनाउणगे। फिर ज्ञानी जी भी अपनी कथा सुनाउंदे सी जी, मैं सिंगापुर गया, फिर मैं अमरीका गया, फिर मैं आस्ट्रेलिया गया। अपनी कथा तुहानूं हर एक सुनाएगा, पर हर की कथा, ये तो कोई गुरु ही सुनाएगा। रब की सिफत सलाह गुरु सुनाएगा, क्योंकि गुरु तो बिना नहीं पता किसी नूं रब किहो जिहा है, रब कित्थे रहिंदा है, रब किन्ना वड्याइयां दा मालक है, रब दियां की बख्शिशां ने। मैं तो एक बारी पहला भी इत्थे बेनती करके गया सी कि गुरु अर्जन दे पिता जी की कहंदे ने, कहंदे औखी घड़ी ना देखण देई। वह कहंदे उन्हें तैनूं औखी घड़ी वेखण नहीं देनी। असी उहदा पाठ ही उल्टा पढ़ना शुरू करता, असी अरदास बना ली उहदी। इह शब्द है भरोसे दा, असी उहनूं शब्द बना लिया अरदास दा। इह शब्द अरदास दा शब्द नहीं है। असी पढ़दे औखी घड़ी ना देखण देई, मैं बेनती करदा महाराज मैनूं औखा समा ना वेखण दवी, तो गुरु अर्जन साहब कहिंदे उह ते दिंदा ही नहीं। हुण किन्ना फर्क है। मैं मंगना चाहना, सतगुरु कहिंदे तैनूं मंगण दी लोड़ ही नहीं, तू अपनी मंगण वाली गल वल ना वेख,
तू ओदी बख्शिश वल वेख, सवाल नहीं कि तू की मंगदा है, तू ओदी रहमत ते वेख। औखी घड़ी ना देखण देई, वो कदे किसी औखा वक्त नहीं वेखण दिंदा। की करदा है? अपना बिरद संभाले, ये ओदा सुभा है, ये तेरी अरदास नहीं है, ये ओदी वड्याई है। वो अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। उन्हें हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाईया। एक भगत जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण देती है कि हंस उडर कोदरे गया, लोग वडारण जाए, गहला लोग ना जाने, हंस ना कोदरा खाए। पिंड दे उत्तों पंछी लंघे, ते जिस पासे पंछी गए, जिन्हां दी उस पासे खेती सी, जिन्हां दा बाजरा बीजिया सी,